और अब बात करेंगे सरायकेला की, जहां के रुंगटा माइंस लिमिटेड कंपनी के प्लांट में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन से मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग की है। कंपनी में एकजुट हो गए हैं सभी, लेकिन मुआवजे पर सहमति अब तक नहीं बनी है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मुआवजे पर सहमति नहीं बनती, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा, साथ ही प्रबंधन और कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए, एक मजदूर की मौत हुई और उसके बाद हंगामा हुआ है, काफी संख्या में मजदूर इकट्ठे हो गए हैं। रुंगटा माइंस में मजदूर की मौत हुई है, अब लोग कंपनी प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुआवजे पर सहमति नहीं बनी है, जिससे लोग अभी भी वहां पर अड़े हुए हैं। मजदूर की दुर्घटना में मौत हो गई है, उसी के अभी हम लोग आज सब जमा हुए हैं। कंपनी में कुछ हम लोग मांग रहे थे, अभी तक कुछ सकारात्मक जवाब नहीं आया है, जिसके चलते अभी भी मजदूर गेट में अड़े हुए हैं। मतलब बंकर में गिरने के कारण वो वहीं पर डेथ कर गया, लेकिन कंपनी नहीं चाहता है कि यहाँ लाश रहे, उसी कारण से लाश को किसी तरह यहाँ से हटाने का कोशिश किया और जिंदा है बोल के उसको टाटा मैन हॉस्पिटल ले गया। मांग यह है कि हम लोग का जो मुआवजा राशि है वो हम लोग को मिले, और जो एक नौकरी प्लस उसका जो एक बच्चा है उसका उच्च शिक्षा और जो पालन पोषण के लिए जो राशि होता है वो कंपनी पे करे। कोई मजदूर हम लोग को फोन कर दिया कि एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ कर गया था पहले से कंपनी में, यहीं से लाश लेके गया है कंपनी वाला मुआवजा के लिए। तो कौन कौन है ये लोग का, कभी एक घंटा में आ रहा है, कभी आधा घंटा में आ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सुनील, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुनील, ड्यूटी के दौरान मौत हुई, मुआवजे की मांग हो रही है, तो प्रबंधन को दिक्कत क्या है, क्यों सहमति नहीं बन पा रही है प्रबंधन के साथ मुआवजे को लेकर? देखिए आरती, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ उद्योग घराने की जो बात है और खास करके जो रुंगटा माइंस की बात है, ये आपको दो दिन आज हो गए और दो दिन तक ये जो मुआवजे को मांग लेकर शीतगृह में रखा हुआ है शव को, लेकिन अभी भी ग्रामीण निकालने को तैयार नहीं है। और कंपनी एक ऐसी मतलब कि पॉलिसी अपनाई हुई है, यूं कहे कि उनकी मनमौजी है, ना तो मीडिया के समक्ष आ रहे हैं और ना ही इन लोगों से बात कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कोई एक अधिकारी आ रहा है या फिर यूं कहे कि गाँव में कुछ और दलाल है जिनके माध्यम से वो चाह रहे हैं कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें 28 वर्ष के युवक की मौत हुई है, और जिस तरह से उसके घर में एक यही कमाने वाला था और छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, सबका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन कंपनी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि मुआवजे को लेकर के उसकी पत्नी को एक नौकरी दे दी जाए, चाहे छोटी है सही, और उसे कुछ मुआवजा राशि दे दी जाए। इसके लिए कम से कम सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो चुके हैं और न जाने अभी तक कंपनी क्या सोच रही है मुआवजे को लेकर के। लेकिन जिस कारण से मौत हुई है वो सेफ्टी को लेकर के हुई है, उतने ऊंचाई पर काम करने के दौरान कंपनी को कम से कम सेफ्टी के बारे में ध्यान देना चाहिए, कंपनी के सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ये मजदूर जो काम कर रहे हैं इनकी भी एक जान होती है और ये भी किसी परिवार से बंधे होते हैं, इनकी भी एक परिवार होती है। लेकिन कंपनी को सिर्फ काम चाहिए, मजदूर की सुरक्षा से या सुरक्षात्मक कोई भी सामान हो देने से कोई मतलब नहीं, हेलमेट, जूता, सेफ्टी बेल्ट। आखिर उतने ऊंचाई पर जो मजदूर काम कर रहा था उसके लिए जो कंपनी के लोग थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? वो ठेकेदार जो है जिस पर काम जिसके अंदर में काफी मजदूर काम करते हैं, आखिर उस ठेकेदार को ये क्यों नहीं कहा जाता है कि आप पहले सुरक्षा पर ध्यान दीजिए? उनको सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए, चाहे मजदूर की जान जाए या फिर मजदूर जिस अवस्था में काम करे उनसे उसे कोई मतलब नहीं है। खास करके मैं आपको बात बता दूं आरती कि जैसे इन उद्योगपतियों के बारे में अगर कहा जाए कि नहीं ठीक है इनकी ये परेशानी है कि सेफ्टी का इंतजामात नहीं कर सकते, तो इसके लिए बैठा के वर्कर से बात कर सकते हैं, भाई सेफ्टी का इंतजामात आप क्यों नहीं कर सकते? सेफ्टी वाला जो सेफ्टी के लिए वर्कर बहुत बड़ा आवाज भी उठा है, लेकिन सेफ्टी के लिए ही हर एक उद्योग घराने में मौत होती है, लेकिन ये उद्योग घराने समझते नहीं है। चलिए, लेकिन ये देखना होगा कि प्रबंधन मुआवजे पर सहमति बन, प्रबंधन की तरफ से मुआवजे को लेकर सहमति बनती है कि नहीं, क्योंकि जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक तो ये मजदूर यहाँ से हटने वाले नहीं। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।